नमस्कार किसान साथियों, मंडी भाव इंडिया न्यूज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि प्याज के भाव में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है हमें अभी, और आगामी दिनों में भी हमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिलेगी। और पिछले साल के मुकाबले अभी से डबल हो गए हैं थोक के दाम प्याज के, तो ये काफ़ी अच्छी बात है किसानों के लिए। और अब हम बात कर लेते हैं कि वर्तमान की यदि स्थिति की हम बात करें तो रबी सीजन की प्याज खेतों से निकल रही है, फिर भी इसका दाम अभी रिटेल में 25 रुपये प्रति किलो चल रहा है। सबसे बड़े प्याज उत्पादक राज्य महाराष्ट्र में इस समय थोक दाम 1500 रुपये प्रति क्विंटल चल रहा है, जबकि पिछले साल इसी वक्त औसत भाव 400 रुपये से 600 रुपये प्रति क्विंटल का दाम हमें देखने को मिल रहा था। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उत्पादन में कमी है। हालांकि इतने थोक दाम पर भी किसानों को कोई खास फायदा नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि लागत ही करीब 16 रुपये प्रति किलो आती है प्याज उत्पादन करने में। महाराष्ट्र प्याज उत्पादक संगठन के संस्थापक ने बताया कि इस साल खराब बीज, लेट बुवाई और बारिश व ओले की वजह से उत्पादन काफ़ी कम हुआ है, इसलिए दाम में तेज़ी दिख रही है। हर साल औसतन 16 टन प्रति एकड़ के हिसाब से पैदावार मिलती थी, लेकिन इस बार 10 से 12 टन ही एवरेज मिल रहा है। ऐसे में 11 से 15 रुपये प्रति किलो का औसत दाम कोई ज़्यादा नहीं है, फसल कम रहेगी तो दाम में वृद्धि होना तय है। इसी के साथ बात कर लेते हैं कि प्याज में कितनी लागत आती है, तो दिघोले के मुताबिक नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड ने 2017 में बताया था कि प्रति किलो प्याज पैदा करने में 9.5 रुपये की लागत आती है। 4 साल में यह बढ़कर 16 रुपये प्रति किलो तक हो गया है। किसान तो अब भी नुकसान में ही है, उन्हें न तो अपनी मेहनत का पैसा मिल रहा है और न ही ज़मीन का किराया। महाराष्ट्र के किसान अहमदनगर, पुणे, धुले और सोलापुर जिले में इसकी अधिक खेती होती है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान में भी अच्छी खासी खेती प्याज की होती है। सब किसानों के घर पर प्याज रखने की पर्याप्त जगह नहीं है, उस पर इतना आर्थिक दबाव होता है कि वो फसल निकालते ही बाजार में ले जाते हैं। किसी गांव में 100 किसान है तो मुश्किल से 10 के पास ही स्टोरेज का इंतजाम है। सरकार स्टोर बनाने के लिए बहुत कम आर्थिक मदद देती है। 25 टन के स्टोरेज के लिए 4 लाख रुपए लगते हैं, जबकि स्टेट गवर्नमेंट इसके लिए अधिकतम 87,500 रुपये ही देती है। अगर एक तहसील में 2000 किसान ने स्टार के लिए आवेदन किया तो लॉटरी में 100 का नंबर आता है, इसलिए किसान स्टोर के अभाव में सस्ते दाम पर व्यापारियों को फसल बेचने पर मजबूर हो जाते हैं। भारत में प्याज का उत्पादन महाराष्ट्र, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान इसके बड़े उत्पादक हैं। अब देख लेते हैं कि देश में सालाना प्याज उत्पादन औसतन 2.5 करोड़ मीट्रिक टन के बीच है। हर साल कम से कम 1.5 करोड़ मीट्रिक टन प्याज बेची जाती है। करीब 10 से 20 लाख मीट्रिक टन प्याज का स्टोरेज के दौरान ख़राब हो जाती है, और अगर एक्सपोर्ट की बात करें तो 35 लाख टन मीट्रिक एक्सपोर्ट विदेशों में की जाती है प्याज इंडिया की। 2020 से 21 में इसका उत्पादन 26 मिलियन टन होने का अनुमान है। और किसान साथियों, प्याज में अभी पिछले साल के मुकाबले डबल रेट हो गए, आगामी दिनों में भी हमें प्याज में अच्छी खासी तेज़ी दिखने मिलेगी। सितंबर तक हमें अच्छे खासे भाव देखने को मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।